नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर में रोडवेज बाईपास रोड पर आज एडीए के बुलडोजर ने अवैध व अनाधिकृत निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाली की फोर्स मौजूद रही। एडीए की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति रही। जिनके निर्माण ढहाए जा रहे थे उन्होंने विरोध की स्थिति के साथ ही तमाम तर्क देने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद से विरोध ज्यादा देर तक नहीं चल सका। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव वैजनाथ ने बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत नदी किनारे के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण कराए गए थे। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब एडी की तरफ से सभी भवन स्वामी को नोटिस दी भी गई थी, लेकिन इसके बाद भी चोरी चुपके धीरे धीरे निर्माण कार्य चलता रहा। एडी टीम जो मौके पर फिर जांच करने पहुंची तब निर्माण होता रहा, जिसके बाद जेसीबी बुलवाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिनके निर्माण को गिराया जा रहा है उन्होंने एडीए के में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कर्मचारी ने उनसे 1,00,000 रुपए भी लिए थे और कहे थे कि धीरे धीरे निर्माण कराते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आज मास्टर प्लान में जो है ये ग्रीन बेल्ट है, जो है ग्रीन बेल्ट में ये निर्माण निषिद्ध क्षेत्र होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अनुमन्य नहीं है। वह उसके विपरीत इन लोगों ने जो है निर्माण जो है किया, इनको प्रारंभिक स्तर पर ही नोटिस दे करके रोका गया जो है। उसके बावजूद भी वह चोरी छिपे जिसको बनाया गया, इसके संबंध में आज उद्धस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है और चोरी छिपे? हाँ, निश्चित ही जो है चोरी छिपे जो है बगल का जो निर्माण जो है जो गिर रहा है रिजवान का जो है, ये छुट्टियों में जो है जब परीक्षा चल रही थी उस दौरान जो है प्रारंभिक स्तर पर रोकने के बाद भी वह चोरी छिपे ही वह बना। खासतौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है आजमगढ़ में, इस तरीके की कितने जितने लोग आ रहे हैं? जो भी ग्रीन बेल्ट में आएंगे, जहां हम खड़े हुए हैं नदी से इस साइड में जो है सभी ग्रीन बेल्ट है, वह इसमें जो है कार्रवाइयां जो है होंगी, जो है क्रमिक जो है कुछ में दस्तीकरण आदेश पारित हैं, कुछ में हो रहे हैं प्रक्रिया में है, लेकिन सभी जो है दस्तीकरण की जिद में है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।